नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चुनावी माहौल के कारण 4 तारीख जिसमें कि ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, और मैंने भी आपको शेयर मार्केट का जो वीडियो दिया गया था कि जून में क्या स्थिति बन सकती है, मंदी किन तारीखों में देखी जा सकती है, इसके साथ गोल्ड प्रेडिक्शन में भी कहा गया था जो मंथली दिया गया है कि किन तारीखों में तेज़ी के आसार नज़र आ सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ जो है आपको पहले से ही दे दी गई थी 8 से 8-10 दिन पहले, और हमने देखा कि आज 4 तारीख थी। बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि आज बार के जो है आपके मार्केट में ज़बरदस्त उछाल की संभावना बनेगी, लेकिन दोस्तों ग्रह स्थिति के अनुसार 4 तारीख में पहले से ही यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि ग्रह स्थिति के अनुसार मार्केट डाउन की स्थिति बतला रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष बहुत चमत्कारी विद्या है, और इसका सही और सटीक जब हम गणना करते हैं तो यह हमें सत्यता की ओर ले जाती है। और आज हमने देखा कि सारे मार्केट किस प्रकार से धराशाही हो गए, और जिसमें कि कोई पॉइंट कोई चीज़ें काम नहीं करी। तो इस प्रकार से एक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर जो जानकारी निकाली जाती है, चाहे कंपनी का एनालिस हो या फिर आपकी जन्म पत्रिका एनालिसिस हो या आप जिस भी प्रश्न को पूछना चाहते हैं, ज्योतिष बड़ी सही और सटीक विद्या है और सही और सत्य जानकारियाँ प्रदान करती है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि कल के मार्केट में क्या स्थिति बन सकती है और कल का पंचांग क्या कह रहा है, क्या आपका राशिफल है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम पंचांग का ही अवलोकन करेंगे, लेकिन इसके पहले डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है, और यह निर्देश हमेशा ध्यान में रखें कि हमारी सारी गणना जो रहती है एस्ट्रोलॉजी के बेस पर आधारित होती है। जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वविवेक का उपयोग जरूर करें, इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे कार्यालय से गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली, इंटरडे जो है आप प्रेडिक्शन चाहते हैं तो हमारे कार्यालय पे के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ जो है लेवल्स भी जान सकते हैं, टाइम फ्रेम भी जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइम फ्रेम आपको यह बतला देता है कि ग्रह स्थिति के अनुसार कहाँ मार्केट में उछाल देखा जा सकता है, कहाँ विशेष डाउन की स्थितियाँ बन सकती है, और ग्रह का एक अनुमान क्या निकल रहा है उसके आधार पर समझ कर यदि हम काम करते हैं तो निश्चय ही हमें प्रॉफिट के योग अधिक बनते हैं। लेकिन सारी गणना एस्ट्रोलॉजी के बेस पर आधारित रहती है। जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पंचांग देखेंगे, और जो है आपका 5 जून 2024, इसके साथ जो है यदि हम कृतिका नक्षत्र रहेगा कल रात को 9:15 तक, रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात को 9:15 के बाद, इसके साथ वृषभ राशि कल पूरे दिन रहने वाली है, और कल से जो है 3:30 से रोहिणी नक्षत्र में बुध का गोचर भी होने वाला है, तो इसका भी हमें विशेष प्रभाव आगे देखने को मार्केट पर मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही एक वीडियो आपसे कहा है कि हमें ज़बरदस्त गिरावट और देखने को मिल सकती है, वह भी वीडियो दिया गया है आपको बना करके, तो निश्चय ही हो सकता है आने वाले समय में भी हमें कोई बड़ी मंदी और देखने को मिल सकती है, और उसमें तारीख भी दी गई है, वह आप वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ जो है अब राशिफल की यदि हम बात करते हैं तो कल कर्क लग्न की कुंडली बन रही है और इसमें मंगल केंद्र में है, मेष राशि के हैं। चंद्रमा की यदि हम बात करते हैं तो हर्षल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र और गुरु, ये 4-5 ग्रह जो हैं एक साथ बैठे हुए 5 ग्रहों का योग बना हुआ है, तो इसका भी मार्केट पर हमें ज़बरदस्त असर देखने को आज मिला। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हुए भी आज हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी, क्योंकि ग्रह की स्थितियां भेद कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं कि मार्केट की दिशा ही बदल देते हैं। सबसे पहले हम राशिफल का अवलोकन कर लेते हैं कि राशियां क्या कह रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि के बारे में यदि हम जानकारी लेंगे तो मेष राशि के लोगों के लिए कल लाभ के योग हैं, काम करके लाभ ले सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो है हानि के योग बन रहे हैं, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए हानि के योग बन रहे हैं, कर्क राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं, और सिंह राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं, कन्या राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं।
तुला राशि वालों के लिए मिश्रित योग हैं, प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट से आप निकल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं। धनु राशि वालों के लिए हानि का योग बन रहा है, पूर्ण हानि का, तो बहुत ही सोच विचार के काम करें, नहीं तो आपका सौदा फंस सकता है। इसके साथ मकर राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो है मिश्रित योग हैं, प्रॉफिट मिलते ही बाहर हो सकते हैं। और आपकी आती है मीन राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। तो जिन भी राशि वालों के लिए लाभ के योग कहे गए हैं, ऐसे सभी लोग बहुत ही सोच विचार के काम करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन जिनको हानि के योग बन रहे हैं, बहुत सोच विचार के काम करें। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार की आज हमने निफ्टी में लगभग 1600 पॉइंट की गिरावट देखी है और बैंक निफ्टी में 3500 पॉइंट की जो है गिरावट देखने को मिली, यह कोई गणना या किसी चीज़ में नहीं आंकी जा सकती। जो आज का ज़बरदस्त मार्केट गिरा, लेकिन एक अनुमान एस्ट्रोलॉजी के बेस पर मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाए थे उसमें कहा गया था कि 4 तारीख में मंदी देखने को मिलेगी, तो हमें बराबर मिली और यह जानकारी आपको पहले ही दे दी गई थी। तो इस प्रकार से ज्योतिष की गणनाएँ बड़ी सही और सटीक साबित होती हैं। अब हम देखेंगे कि कल का मार्केट क्या स्थिति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, कल भी दो नक्षत्रों का जो है परिवर्तन होने वाला है। नक्षत्रों का परिवर्तन होता है, भेद बदल जाते हैं और मार्केट पे इनका ज़बरदस्त प्रभाव हमको देखने को मिलता है। कल की यदि हम ग्रह गणना देखते हैं तो हो सकता है मार्केट में कल भी डाउन के संकेत तो कुछ हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार की मार्केट संभावना दिखला सकता है। तो इस प्रकार से एक अनुमान मैंने आप लोगों को बतलाया है और जिस तरीके का मार्केट चल रहा है इसमें कोई पॉइंट काम नहीं करते हैं। तो कल क्या स्थिति बनाता है मार्केट आगे देखेंगे, लेकिन जो जानकारी मैंने एस्ट्रोलॉजी की बेस पर दी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप इंटरडे की गणनाएं चाहते हैं तो कार्यालय के दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।